देश व राजस्थान का नाम रोशन करने में हर जगह बेटियों का स्थान प्रथम रहता है। इस बात को सिद्ध किया है सिंघाना के घरडाना खुर्द की बेटी आशा झाझड़िया ने, जिसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करके सकुशल घर लौटाई। राजस्थान की प्रथम महिला एवरेस्ट फतह करने वाली आशा झाझड़िया का घर लौटने पर सिंघाना वासियों ने जोरदार स्वागत किया। डीजे की धुन व पटाखों की आवाज के बीच अपनी बेटी को खुली गाड़ी में बैठाकर सिंघाना में रैली निकाली गई। बेटी को बधाई व आशीर्वाद देने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सभी के मुंह से शाबाश बेटी की आवाज सुनाई दे रही थी। घर में समारोह जैसा जश्न बना हुआ था। वह अपनी बेटी की कामयाबी पर पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं। इस खुशी के दौरान आशा झाझड़िया केंद्र सरकार के साथ राजस्थान व हरियाणा सरकार से खफा नजर आईं। आशा ने बताया कि मैंने लोन लेकर इस कामयाबी को हासिल किया है। मैंने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन सरकार ने मेरी मदद नहीं की। अब मेरे सफल होने के बाद सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने मुझे बधाई तक देना उचित नहीं समझा। हालांकि सिंघाना में झुंझुनू सांसद संतोष अहलावत की तरफ से बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेश सैरिया की तरफ से गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी गई है। जो कोशिश की है मेरी, हर जगह मदद की थी, पीछे से परिवार की संभालना, घर को संभालना, उन सबके लिए तो क्रेडिट तो मेरे मम्मी पापा को और भगवान को जाएगा। नहीं, सबसे पहले तो आप अपने ससुराल में थी, तो अपने पति का कितना सहयोग मिला आपको? पति के सहयोग से आज मैं इस मुकाम पे पहुंची, नहीं तो शायद नहीं पहुंच पाती। मैं ये कहना चाहूंगी, अगर पति का साथ नहीं है तो कोई औरत कामयाब नहीं हो सकती। तो इसने बताया कि मेरे को माउंट एवरेस्ट में जाना है, नेट से इसने बहुत सर्च किया और फिर इसकी प्रैक्टिस, इसने बहुत प्रैक्टिस करी, जो कई लोग चार चार पांच पांच बार जाते हैं पर वो नहीं पहुंच पाते, और इसने 2 साल की प्रैक्टिस के कारण मतलब फहरा दिया, और इसकी प्रैक्टिस को देखते हुए मैंने इसका साथ दिया। पर कुछ समाज के लोग कहते थे, भाई क्या इस उम्र में, 2 बच्चों की माँ है, नौकरी लगे हुए हैं दोनों, तुम सेट हो तो ऐसा खतरनाक काम क्यों करना, कुछ ऐसा क्यों नहीं कर लेते जो आसान हो। पर इसको कुछ करना था और फतेह होके आई। आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे परिवार के अंदर। सबसे मेरे छोटा बेटा, बड़ी बेटी है, बीच की बेटी ने मेरा नाम कर दिया है, तो उसमें सहयोग मिला है। ये तो किस्मत का, ये उसके खुद का, माँ बाप तो एक जन्म देने का साथी है और उसका कर्म देने का नहीं है, वो ऊपर वाला होता है। वो उस कारण हम साथ दिया, अपने ऊपर वाले ने साथ दिया, तो वो विजय करके आपस लौट के आ गई। मैं बहुत खुश हूँ, उसके लिए आ रही हूँ मेरे देश की।